हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशी जैन। टुडे आवर टॉपिक इज जनरल इम्यूनोलॉजी। हम सभी को पता है कि जो जनरल इम्यूनोलॉजी की स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एंटीजन से और एंड होती है एंटीबॉडी पर। बट ये स्टोरी काफी स्टूडेंट्स को काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, नहीं समझ आती है, काफी कन्फ्यूजन होता है। हमें नहीं पता लगता है कि इस स्टोरी के अंदर फेगोसाइटिक सेल का, फेगोसाइटोसिस का, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का, टी सेल्स का, CD4 सेल्स और हेल्पर टी सेल्स क्या होती हैं, CD8 सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या होती हैं, MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल्स, MSC सेकंड मॉलिक्यूल्स, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, इन सबका क्या रोल है इस स्टोरी के अंदर। तो आज की क्लास में हम ये सारा कन्फ्यूजन, सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि कैसे स्टोरी एंटीजन से स्टार्ट हुई, फिर इन सबका क्या रोल था और कैसे स्टोरी एंटीबॉडीज पे आकर खत्म हुई। सो लेट्स स्टार्ट। इस सारे पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है थ्रॉट इन्फेक्शन। थ्रॉट इन्फेक्शन मतलब किसी के गले में, किसी पर्सन के गले में इन्फेक्शन हुआ। थ्रॉट मतलब होता है गला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि ये इस ह्यूमन बींग का गला है, थ्रॉट पार्ट है, जहां पे कोई बैक्टीरिया, जो रेड कलर से बनाया गया एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया एंटर हो चुका है, ठीक है। ये जो रेड कलर से बनाया हुआ ये है हमारा बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया थ्रॉट पार्ट में एंटर हो गया और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है। तो इसको थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ है। देखिए इसमें क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हो गई है एंटीजन से, तो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, ठीक है। इसके पास में ये जो थ्रॉट पार्ट है, इसके पास में जो ये ब्लड वेसल जा रही है, ये है हमारी ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ब्लड वेसल के अंदर की साइड जो ये सेल्स हैं, इन्हें कहा जाता है एंडोथेलियल सेल्स या फिर एंडोथेलियल लाइनिंग। और इस ब्लड में हमें पता है कि क्या सर्कुलेट कर रही है, WBCs। और हम ये भी जानते हैं कि जो WBCs होती हैं वो होती है सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, मतलब बॉडी के सैनिक होते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल, मतलब कोई एंटीजन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, वैसे ही हमारी WBCs क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ब्लड में क्या घूम रही है, WBCs। अब देखिए चेंजेस क्या आएंगे, ये तो मैंने बताया कि नॉर्मल ये यहाँ पे प्रेजेंट है। चेंज क्या आएगा कि जैसे थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ, सबसे अब हमारा जो होस्ट है, होस्ट मतलब जिस पर्सन को डिजीज होती है उसे क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। तो होस्ट क्या देगा या उसकी बॉडी क्या करेगी, रेस्पॉन्स करेगी इस एंटीजन के अगेंस्ट, रेस्पॉन्स देगी। तो जो बॉडी पहला रेस्पॉन्स देती है, जो फर्स्ट रेस्पॉन्स आता है, वो आता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि इस पार्ट पे सूजन आ जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट होगी। सेकेंड रेस्पॉन्स जो होता है वो होता है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन का मतलब होता है जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या हो जाती है, जो ब्लड वेसल थी ना यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, मतलब खुल जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। डायलेट हो जाना मतलब खुल जाना और चौड़ा हो जाना, ठीक है। तो सेकेंड रेस्पॉन्स क्या हुआ, वेजोडाइलेशन। अब वेजोडाइलेशन क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही वेजोडाइलेट होगी यहाँ पे इस ब्लड वेसल का एरिया बढ़ जाएगा, जैसे ही खुलेगी यहाँ पे इसका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ पे ज्यादा ब्लड आ सकेगा। ज्यादा ब्लड आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ज्यादा WBCs आ सकेंगे, मतलब ज्यादा सैनिक आ सकेंगे लड़ने के लिए एंटीजन से। तो हमें ज्यादा सैनिक की जरूरत है, कह लो ज्यादा WBCs की जरूरत है। तो ज्यादा WBCs के लिए ब्लड ज्यादा चाहिए। ब्लड ज्यादा कब आएगा, जब यहाँ एरिया ज्यादा होगा। एरिया कब ज्यादा होगा, जब यहाँ पे वेजोडाइलेशन होगा। तो सेकेंड रेस्पॉन्स होगा वेजोडाइलेशन, से यहाँ पे WBCs आना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड थिंग क्या होगी, ये जो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स है ना, ये हो जाएंगे स्टिकी, हो जाएंगे स्टिकी मतलब चिपचिपे हो जाएंगे। क्यों होंगे चिपचिपे, जिससे ये जो WBCs यहाँ पे सर्कुलेट कर रही हैं, ये जो सैनिक हैं, ये ब्लड के अंदर घूम तो रहे लेकिन हमें इनकी यहाँ पर जरूरत है, तो नहीं यहाँ रोकने के लिए ये एंडोथेलियल सेल्स चिपचिपी हो जाएंगी, स्टिकी हो जाएंगी। जैसे ही चिपचिपी हो जाएंगी, ये WBCs यहाँ पे आके चिपक जाएंगी इस एंडोथेलियल सेल से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये जो न्यूट्रोफिल है यहाँ पे आकर चिपक गई, जैसे ये स्टिकी हुई न्यूट्रोफिल यहाँ पे आकर चिपक गई। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये ब्लड वेसल को क्रॉस करके जाएंगी कहाँ पर, जहाँ पर थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ है या फिर जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको खत्म करने के लिए। तो सैनिक वहां पे जाएगा जिसे इसे खत्म करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे न्यूट्रोफिल से क्यों जाती है, WBCs तो पांच टाइप की होती है, तो उसमें से न्यूट्रोफिल ही इसको क्रॉस करके क्यों जाती है। तो इसका आंसर ये है कि पहली चीज, न्यूट्रोफिल्स जो होती है ना काफी ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है। सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है अमंग ऑल द WBCs वो किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स की होती है। सेकेंड थिंग की इसकी जो मोर्टैलिटी पावर होती है, मूव करने की जो पावर होती है, या कह लो वेस्कुलर परमिबिलिटी की जो पावर होती है कि यहाँ से ये इन वेसल्स को क्रॉस करके जा सकती है, वो वाली जो पावर होती है ना वो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स की होती है। तो इसकी मोर्टैलिटी पावर ज्यादा है, इसका नंबर, इसका जो नंबर है वो ज्यादा है, तो ये क्या कर जाती है, यहाँ से क्रॉस कर जाती है।
अब न्यूट्रोफिल यहाँ पर जाएगी, इसको डिटेक्ट करेगी कि हाँ ये हमारी बॉडी का नहीं है, एक फॉरेन पार्टिकल है। फिर ये क्या करेगी, दूसरे WBC की इसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे WBC को, मतलब दूसरा WBC है यहाँ पे मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज को बुलाने के लिए यहाँ पे केमिकल को रिलीज करेगी जिसे कहा जाता है इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी हेल्प से दो WBCs या फिर दो ल्यूकोसाइट्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं या एक दूसरे को मैसेज दे सकते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल इस मैक्रोफेज को बुलाने के लिए क्या करेगी, इंटरल्यूकिन को रिलीज करेगी। ये इंटरल्यूकिन मैसेज लेके जाएगा मैक्रोफेज के पास कि न्यूट्रोफिल ने आप तुम्हें बुलाया है और तुम्हारी वहां पे जरूरत है इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तो इंटरल्यूकिन जाएगा मैक्रोफेज को मैसेज देगा कि आपको साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचना है। जैसे मैक्रोफेज को मैसेज मिलेगा, ये मैक्रोफेज फिर जाएगा जहां पे साइट ऑफ इन्फेक्शन है या फिर जहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं इस मैकेनिज्म को। पहली जो स्टार्ट है मैकेनिज्म, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। तो बैक्टीरिया एंटर इनटू द बॉडी एंड कॉजेज थ्रोट इन्फेक्शन। बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करा और क्या कॉज करा उसने, थ्रोट का इन्फेक्शन। अब आएगा कि होस्ट क्या डिफेंस करेगा उससे बचने के लिए, हमारा होस्ट जो है या हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी। तो पहला रिस्पॉन्स आएगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय द होस्ट इज इन्फ्लेमेशन, पहला रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेशन। सेकेंड रिस्पॉन्स आएगा, सेकेंड रिस्पॉन्स बाय द होस्ट इज वेजोडाइलेशन। दूसरा क्या है, वेजोडाइलेशन, इसका मतलब क्या था, डायलेट हो जाना, डायलेशन ऑफ सराउंडिंग ब्लड वेसल, जो पास की ब्लड वेसल्स उनका डायलेट हो जाना। इन सराउंडिंग ब्लड वेसल द एंडोथेलियल सेल्स बिकम स्टिकी फॉर WBCs। उसके बाद क्या होंगी, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो स्टिकी हो जाएंगी, चिपचिपी हो जाएंगी WBCs के लिए। देन सर्कुलेटिंग WBCs अडहेयर ऑन एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ सेल्स। यहाँ पे अडहेयर का मतलब होता है चिपकना। तो जो सर्कुलेटिंग WBCs है वो क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी उस एंडोथेलियल सेल्स से जो स्टिकी हुई थी। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स अडहेयर एंड क्रॉस द ब्लड वेसल एंड रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। जो न्यूट्रोफिल्स हैं वहां पे चिपक जाएंगे, न्यूट्रोफिल एक WBC है, न्यूट्रोफिल वहां चिपक जाएगी, क्रॉस कर जाएगी ब्लड वेसल को, कहां पहुंच जाएगी, रीच कर जाएगी साइट ऑफ इन्फेक्शन जहां पे इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। वहां पे क्या इंक्रीज हो जाती है, वेस्कुलर की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होना मतलब कि WBCs वहां से उस वेसल्स को क्रॉस कर सकती है, उसके पास परमिशन है कि उसको क्रॉस कर जाए। सो वो क्रॉस कर जाएगी, फिर न्यूट्रोफिल्स रिलीज इंटरल्यूकिन्स इन ब्लड स्ट्रीम टू एग्रीगेट मैक्रोफेजेस। फिर वहां जाके न्यूट्रोफिल्स क्या रिलीज करेंगी, इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करेगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, किसको बुलाने के लिए, मैक्रोफेज को इकट्ठा करने के लिए। थ्रू इंटरल्यूकिन्स टू ल्यूकोसाइट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं, इंटरल्यूकिन की हेल्प से दो ल्यूकोसाइट्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। देखिए इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ल्यूकिन्स का मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स और इंटर का मतलब होता है इन दोनों के बीच में। तो दो ल्यूकोसाइट्स के बीच में बात करने का जो जरिया है वो क्या होता है, इंटरल्यूकिन्स, ये केमिकल्स होते हैं। फिर क्या होगा, मैक्रोफेज इज अ फेगोसाइटिक सेल, इट रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉजेज फेगोसाइटोसिस। जो मैक्रोफेज है वो एक फेगोसाइटिक सेल है, हमें पता है, तो उसका काम क्या है कि फेगोसाइटोसिस करना। तो मैक्रोफेज वहां पे जाएगी, वो एक फेगोसाइटिक सेल है, उस बैक्टीरिया का क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस करेगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब फेगोसाइटोसिस कैसे होगा उस बैक्टीरिया का। सो नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है हमारा फेगोसाइटोसिस। देखिए फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, ये मैंने एक फेगोसाइटिक सेल बनाई है, मतलब मैक्रोफेज है, यहाँ पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट था, यहाँ ब्लड वेसल थी, ये बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट था, ये थ्रोट पार्ट ही समझ लीजिए कि ये थ्रोट पार्ट है, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये मैक्रोफेज ब्लड वेसल को क्रॉस, जैसे इसके इंटरल्यूकिन आया, इसके पास मैसेज दिया, तो ये मैक्रोफेज कहाँ जाएगा, उस बैक्टीरिया के पास जाएगा। तो ये मैक्रोफेज अब कहाँ जा रहा है, उस बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस करने जा रहा है। फेगोसाइटोसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है, फेगो मतलब होता है किसी चीज को खा जाना और उसका फिर साइटोसिस करना, उसको तोड़ना, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस क्या होगा, इसको खा जाएगा और उसका ब्रेक डाउन करेगा। फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या क्या आता है कि पहले इसको इंजेस्ट करता है, मतलब इसको खाता है, फिर इसका ब्रेक डाउन करता है, फिर इसको एक्सक्रीट करता है। तो फेगोसाइटोसिस में तीन मैकेनिज्म आती है, क्या क्या आती है, सबसे पहले आता है इंजेस्ट करना, मतलब उसको पहले खा जाना या फिर इनगल्फ कह लो, इंजेशन या फिर इनगल्फ। दूसरा इसका ब्रेक डाउन करना, उसको फिर तोड़ना, और फिर इसका एक्सक्रीशन करना, उसको फिर तोड़कर जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, जो भी हमने इस फेगोसाइटिक सेल ने तोड़ा, उसे एक्सक्रीट आउट करना। तो इन तीनों मैकेनिज्म को मिलाकर कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, इंजेशन हो रहा है, तो ये मैक्रोफेज वहां जाएगा उस बैक्टीरिया के पास, ये बैक्टीरिया रेड कलर से उसको खा जाएगा, सिर्फ इंजेस्ट कर लेगा। तो पहले स्टेप पे क्या हुआ कि इसने इसको खा लिया, जिसे खाने के बाद क्या हुआ, ये बैक्टीरिया इस फेगोसाइटिक सेल में एंटर हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो फेगोसाइटिक सेल होती है ना, इसके पास दो सेल ऑर्गेनेल होते हैं। क्या होता है, इसके पास एक तो होता है फेगोसोम,
ठीक है, एक होता है इसके पास फेगोसोम और दूसरा होता है इसके पास लाइसोसोम। तो क्या होगा, जैसे ये बैक्टीरिया पे एंटर करेगा, सबसे पहले फेगोसोम इस बैक्टीरिया को कवर कर लेगा, फेगोसोम जाएगा और इस बैक्टीरिया को कवर कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, इस फेगोसोम से जुड़ेगा ये लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम प्रेजेंट था ये इससे जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ दो चीजें जुड़ेंगी, तो फेगोसोम पहले जुड़ गया था, यहाँ पे जुड़ जाएगा लाइसोसोम। इस लाइसोसोम्स के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब फेगोसोम भी जुड़ गया, लाइसोसोम भी जुड़ गया, तो इसको दोनों को मिलाकर कहा जाएगा फेगोलाइसोसोम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोमल एंजाइम्स है। यही लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को तोड़ने का काम करेंगे, ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे, जो सेकेंड स्टेप है। तो इसका ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा बैक्टीरिया, और टूटने के बाद एकदम छोटे छोटे इसके सब यूनिट में टूट जाएगा। टूटने के बाद ये जो वेस्ट मटेरियल बचा है, या ऐसे कहा जाता है रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल बॉडी का मतलब बची कुची बॉडी है बैक्टीरिया की। पहले ये ओरिजिनल बैक्टीरिया था, उसको तोड़ दिया, उसका बचा कुचा पार्ट, मतलब जो वेस्ट मटेरियल वो बच गया, से कहा जाता है रेजिडुअल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। फिर रेजिडुअल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, यहां से इसको एक्सक्रीट आउट कर देगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, फिर ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ये पूरा रेजिडुअल बॉडी है, फिर जो इसका वेस्ट मटेरियल है। सो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, बैक्टीरिया अडेयर ऑन फेगोसाइटिक सेल, सबसे पहले बैक्टीरिया चिपक जाएगा फेगोसाइटिक सेल से, फिर फेगोसाइटिक सेल इनगल्फ द बैक्टीरिया एंड एंटर द बैक्टीरिया इनटू इट्स बॉडी। फेगोसाइटिक सेल क्या करेगी, इनगल्फ कर जाएगी, खा जाएगी बैक्टीरिया को, फिर बैक्टीरिया एंटर हो जाएगा उसकी बॉडी में, मतलब यहाँ पे इसकी बॉडी मतलब फेगोसाइटिक की सेल की बॉडी के अंदर। देन फेगोसाइटिक सेल कंटेन फेगोसोम एंड लाइसोसोम। फेगोसाइटिक सेल में क्या होता है, एक फेगोसोम होता है, एक लाइसोसोम होता है। फेगोसोम कवर कर लेगा बैक्टीरिया को, फेगोसोम कवर्स द बैक्टीरिया। उसके बाद लाइसोसोम फ्यूज विद फेगोसोम एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नोन एज फेगोलाइसोसोम। उसके बाद लाइसोसोम फेगोसोम के साथ जुड़ जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसे कहा जाएगा फेगोलाइसोसोम। किसके चारों तरफ, बैक्टीरिया के चारों तरफ। लाइसोसोम जो होगा वो रिलीज करेगा लाइसोसोमल एंजाइम्स को, फिर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स वो ब्रेक डाउन करेंगे द बैक्टीरिया को, ब्रेक डाउन करेंगे बैक्टीरिया को। उसके बाद रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया है उसकी जो रेजिडुअल बॉडी है वो बनेगी, बैक्टीरिया की रेजिडुअल बॉडी बन जाएगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ रेजिडुअल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी देन फेगोसाइटिक सेल एक्सक्रीट इट इनटू सराउंडिंग ब्लड स्ट्रीम। देखिए इसका मतलब क्या है यहां पर, कि यहाँ पे जो ये रेजिडुअल बॉडी बनी है ना बैक्टीरिया की, अगर ये रेजिडुअल बॉडी, ये जो रेजिडुअल बॉडी है, ये हमारी बॉडी या फिर उस ह्यूमन की बॉडी जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसकी बॉडी के लिए अगर ये हार्मफुल नहीं है, अगर ये खतरनाक नहीं है उसके लिए, तो ये फेगोसाइटिक सेल क्या करेगा, इसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिससे ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। बट अगर इन केस ये टूटने के बाद भी, ब्रेक डाउन होने के बाद भी, ये जो बचा कुचा पार्ट है बैक्टीरिया का, ये अभी भी इस बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो ये फेगोसाइटिक सेल एक बन जाएगा एपीसी। ठीक है, इसलिए मैक्रोफेज को कहा जाता है कि मैक्रोफेज एक फेगोसाइटिक सेल भी होता है एज वेल एज वो एक एपीसी भी होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी होता है। तो अगर ये रेसिडुअल बॉडी हार्मफुल नहीं है तो ये एक्सक्रीट आउट कर देगा, बट अगर ये रेसिडुअल बॉडी अभी भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये हमारे लिए अभी भी खतरनाक है, कोई ना कोई डिजीज अभी भी ये कर सकती है, इस फॉर्म में भी, इन टुकड़ों में भी हमारी कोई अंदर डिजीज कर सकती है, तो क्या होगा, ये जो मैक्रोफेज है ये एक पहले फेगोसाइटिक सेल था, अब ये बन जाएगा एक एपीसी, जिसे कहा जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो यहां पे हमने यही लिखा है कि इफ दिस रेजिडुअल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी देन फेगोसाइटिक सेल बिकम्स एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अगर वो रेजिडुअल बॉडी अभी भी हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो जो फेगोसाइटिक सेल है वो एक बन जाएगी एपीसी। बट अगर वो रेजिडुअल बॉडी हार्मफुल नहीं है, इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, फिर फेगोसाइटिक सेल क्या करेगी, वो जो टुकड़े हैं उसको सराउंडिंग ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्सक्रीट आउट कर देगी। So I hope in this part now we will able to understand about what are phagocytic cells, how phagocytosis occur. In second part of general immunology we will understand about the remaining mechanism and able to understand about how antibodies is formed. So thank you so much for watching.